हमारा शरीर बना है 150 से 200 साल जीने के लिए, लेकिन बड़ी आसानी से हम उसे 60 और 70 साल की उम्र पे बिगाड़ देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं मगर ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स देने वाला हूँ कि जिससे आप लंबा जी सके, तंदुरुस्त जी सके। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच। हम जब छोटे थे तब हम बड़े होना चाहते थे, लेकिन हम में से कोई अब जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहता है। बुढ़ापा कोई उम्र नहीं है, एक्चुअली बॉडी की कंडीशन है। यानी कि अगर आप सपोर्ट से चलते हैं तो आप बूढ़े हो चुके हैं, या फिर अगर चेहरे के ऊपर जुरिया आ जाए, रिंकल्स आ जाए, तो आप जल्दी बूढ़े हो चुके हैं, या कोई बीमारियां है, दवाइयां खानी पड़ रही है, तो आप बूढ़े हैं। पूरा दिन एनर्जी से आप काम नहीं कर पाते हैं, तो आप बूढ़े हो चुके हैं। अगर आज आप जानना चाहते हैं कि आप लंबे से लंबा और तंदुरुस्त जिंदगी कैसे जी सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारी इस फिट भारत की चैनल को लाइक कर दीजिए कि जिससे आप इस टाइप के वीडियोस और नॉलेज अपनी लाइफ के अंदर रेगुलरली पा सकते हैं। आपने क्या किसी को भी फ्रोजन शोल्डर की वजह से मरते हुए देखा, या फिर किसी को बैक प्रॉब्लम हो गया और वो गुजर गया, या फिर घुटने का कोई दर्द हो गया और वो गुजर गया, या फिर चेहरे पर पिंपल आ गया और उसकी जान चली गई? ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा होगा कि बाहर में जब भी हमारे शरीर में कोई तकलीफ आई है तो तुरंत ही हमने उसके ऊपर एक्शन ली है। मतलब कि अगर फ्रोजन शोल्डर हुआ तो तुरंत ही फिजियोथेरापिस्ट के पास चले जाते हैं, नी में कोई तकलीफ आई तो सपोर्ट लेना शुरू कर लेते हैं, या बैक में कोई तकलीफ तो बेल्ट पहन लेते हैं, एक छोटा सा पिंपल हो जाता है, दुनिया भर के हम क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि बाहर कुछ भी होने से क्या इंसान की लाइफ जा सकती है? कभी नहीं। जब भी कोई इंसान मरता है तो अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, तभी हम मरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का हार्ट बंद हो जाना, किडनी फेल हो जाना, लीवर में कोई तकलीफ आना, ब्रेन बंद हो जाना। मगर बाहर से तो अपने बॉडी को स्वच्छ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत कुछ हम करते हैं, अच्छी फिगर मेंटेन करने को भी बहुत कुछ करते हैं। सवाल ये है, अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स की तंदुरुस्ती के लिए आप क्या करते हैं? जब मैंने आपको कहा कि आप 150 से 200 साल जी सकते हैं, तो उसका सीक्रेट बहुत ही सिंपल है। आजकल आपने ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा। एक इंसान जो 70 साल जिया था, उसने अपने हार्ट को डोनेट किया, एक 20 साल के बच्चे के अंदर वो डाला गया और वो बच्चा और 10-20 साल जी लिया। मतलब ये हुआ कि उसका हार्ट 90-100 साल तक आराम से जी रहा था। लेकिन जब हम अपने बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को एक्सरसाइज नहीं देते हैं, सही डाइट नहीं देते हैं, तभी जाकर के दोस्तों हमारी जिंदगी छोटी हो जाती है। डाइट के ऊपर के बहुत सारे वीडियोस अभी तक आप हमारी चैनल पर देख चुके हैं, मगर आज मैं बात करना चाहता हूँ इनर ऑर्गन्स की एक्सरसाइज के ऊपर। मतलब कि आपको ये तो पता है कि जिम में जब आप डंबल उठाएंगे तो ये वाला मसल एक्टिवेट होगा, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स की एक्सरसाइज क्या है, उसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ डायनेमिक योगा। एक 15 मिनट का ऐसा ब्रीथिंग और बॉडी स्ट्रेचिंग का टेक्निक की जो आपकी इनर हेल्थ को बदल के रख देगा और लंबे से लंबे तंदुरुस्त जिंदगी आपको देने वाला है। मैं सिर्फ 11 साल का था जब मुझे योग सीखने का मौका मिला, और 14 साल की उम्र से बरसों से मैं लोगों को योग सिखाते रहा हूँ। आज आपको एक ऐसा 15 मिनट का सिस्टम मैं दे रहा हूँ जो 1 घंटे के आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन के बराबर हो सकता है, जो 24 बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर रखने के लिए आपको काम लग सकता है। इसे आप कोई भी कंफर्टेबल कपड़े पहन करके कर सकते हैं, चेयर के ऊपर बैठे कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के गैप के बाद कर सकते हैं, और अगर सुबह उठकर करते हैं तो बेस्ट है। आइए सबसे पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, और वो है फास्ट ब्रीथिंग। इसमें आपको काउंटिंग के साथ सांस अंदर लेना है और सांस बाहर निकालना है। अपने लंग्स को, सीने को और पेट को पूरा फुलाना है जब सांस अंदर भरते हैं, उसे दबाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है जब आप उसे बाहर निकाल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, 1 मिनट करना है, एग्जैक्टली वीडियो में जैसे दिखाया है वैसे करना है। 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2
ये छोटी सी एक मिनट की टेक्निक बहुत सारे ब्लॉकेजेस को दूर करने में आपको हेल्प करने वाली है। अब दूसरी टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें अनुलोम विलोम करना है। अब अनुलोम विलोम के बारे में ज़रूर आपने सुना हुआ है, लेकिन इसे भी काउंटिंग के साथ करेंगे, एग्जैक्टली जो स्पीड यहाँ पर बताई गई है उसके साथ। तो बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और इसे एक मिनट के लिए फॉलो कीजिए। 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1
ज्यादा ब्लॉक्ड होगी, कोई एक ज्यादा खुली होगी। अनुलोम विलोम के माध्यम से दोनों नाड़ियां ओपन हो जाती है कि जिससे 100% ऑक्सीजन भी मिलता है और एनर्जी फ्लो भी सही होने लगता है। आइए तीसरी टेक्निक और आगे बढ़ते हैं। उसमें आपको 5 सेकंड में सांस अंदर लेना है, 5 सेकंड सांस को अंदर रोकना है, 5 सेकंड में सांस बाहर निकालना है और आखिर की 5 सेकंड में सांस को बाहर ही रोक कर रखना है। इसे कुंभक कहते हैं। ये टेक्निक जितना देखने में आसान है शायद उतना करने में आसान ना भी हो, मगर जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को इंप्रूव करेगा और साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला पाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आइए चौथी टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें कपाल भाती करना है। यहाँ पर आप एक म्यूजिक सुनेंगे, उसके साथ एक झटके से आपको सांस बाहर निकालनी है, लेकिन सांस बाहर निकालने पर ही आप फोकस करेंगे, सांस अंदर लेने पर आपको फोकस नहीं करना है, सांस अंदर अपने आप जाएगा।
पांचवी टेक्निक में भी आपको कपाल भाती ही करना है, लेकिन अब आप इससे डबल स्पीड पर करने वाले हैं। अगर आप में से किसी को 6 महीने से ज्यादा प्रेगनेंसी है या कोई हार्ट के इश्यूज या ब्लॉकेजेस या एपिलेप्टिकल फीट्स के प्रॉब्लम, तो आप इस टेक्निक को ना करें। आप स्लो स्पीड कर सकते हैं। फास्ट के लिए अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आप करें, और प्रैक्टिस के द्वारा धीरे धीरे आप 1 मिनट तक पहुंच सकते हैं। रेगुलर कपाल भाती प्रैक्टिस आपको बहुत सारे फायदे देता है, जैसे डाइजेशन अच्छा कराएगा, कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा या फिर लीवर को तंदुरुस्त बनाएगा। आप कहीं पर भी योग सीखने के लिए जाएंगे, हमेशा कहा जाता है कि आप आसन नहीं करेंगे चलेगा, प्राणायाम करो, और प्राणायाम नहीं करोगे चलेगा, कपाल भाती करो। बहुत बरसों पहले की बात है, मुझे स्वामी रामदेव बाबा से मिलने का मौका मिला था। तब उन्होंने मुझे इतना ही कहा था कि बेटा, आप जब भी योग सिखाए तो सबसे ये जरूर कहना कि कपाल भाती हर दिन करें। छठी टेक्निक में अब आपको काउंटिंग के साथ 4 टुकड़ों में नाक से सांस अंदर भरना है और 2 टुकड़ों में मुंह से बाहर निकालना है। तो फोर्स के द्वारा सांस अंदर लेंगे और फोर्स के द्वारा सांस बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1
मतलब कि अगर किसी को भी हार्ट की कोई इश्यूज और ब्लॉकेजेस आ चुके हैं तो इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा आपके वो ब्लॉकेजेस ओपन हो सकते हैं। तो सातवीं टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं और ये सातवीं ब्रीथिंग टेक्निक थोड़ी सी अलग है। आप इसमें गहरी सांस भरेंगे, पूरा सांस भरने के बाद हाथ से नाक को बंद कर देंगे, दाढ़ी को सीने के साथ दबा देंगे, लॉक कर लेंगे यहाँ पर, और मुंह में जो सलाइवा इकट्ठा होता है उसे आपको नीचे उतारने है, ज्यादा से ज्यादा घूंट उतारने की कोशिश करनी है और फिर से रिलीज करना है। इसके तीन राउंड करेंगे। ये टेक्निक थायराइड के लिए या जिनको गला बैठ जाता है या टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेकारक है। इनहेल, चिन लॉक, स्वॉलो, रिलीज। इनहेल, चिन लॉक, स्वॉलो, रिलीज। इनहेल, चिन लॉक, स्वॉलो, रिलीज। इनहेल, चिन लॉक, स्वॉलो, रिलीज।
इसके रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा चेहरे के ऊपर अगर कोई पिंपल्स या डार्क पैचेस रहते हैं तो वो दूर होंगे, और जिनको थायराइड की दवाइयाँ भी चल रही है आप इसे ज़्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिन में 2 या 4 मिनट तक लेकर जा सकते हैं। और अगर आप कुछ महीनों से भी दवाइयाँ ले रहे हैं तो इसकी प्रैक्टिस के द्वारा वो दवाइयाँ कम हो सकती है, थायराइड आपका बैलेंस में आ सकता है। तो ये 7 ब्रीथिंग टेक्निक्स इनर ऑर्गन्स की हेल्थ को बहुत ज़्यादा सुधार देती है जो आपने 8 मिनट के लिए किया। मगर क्यों हम सिर्फ अंदर के ऑर्गन्स तक ही सीमित रहे, चलिए इसे एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं। सुबह उठकर अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो अपने बॉडी में हर जगह ब्लड सर्कुलेशन फैला देना ज़रूरी है। फ्यूचर में आपको कोई जॉइंट्स के प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, लोअर बैक्स, हिप जॉइंट्स, या फिर कोई भी यू नो छोटे छोटे पेन्स की जो उम्र के साथ आते हैं वो ना आए, इसके लिए मैं आपको 1.5 मिनट का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दे रहा हूँ। अगर आप रेगुलर इतना भी करेंगे तो आपकी बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को ये बनाए रखेगा और पेन्स को दूर रखेगा। आइए इसे देख करके साथ में प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5 राइट। 1 2 3 4 5 बैक। 1 2 3 4 5 स्टैंड अप। कैलेंडर रोल। 1 2 3 4 स्ट्रेच मोर। 5 6 मोर। 7 8 रिलैक्स। शोल्डर रोटेशन बैक। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लास्ट राउंड। 1 2 3 4 फ्रंट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लास्ट राउंड। 1 2 3 4 सिट डाउन। स्टमक होल्ड। 1 2 3 टाइटन। 4 टाइटन। 5 मोर टाइटन। 7 8 रिलैक्स। लेग स्ट्रेच लेफ्ट। 1 2 नी स्ट्रेट। 3 4 लेग स्ट्रेट। 5 राइट। 1 2 हील्स आउट। 3 4 टोज इन। 5 लेफ्ट। 1 2 नी स्ट्रेट। 3 4 लेग स्ट्रेट। 5 राइट। 1 2 हील्स आउट। 3 4 टोज इन। 5 स्टैंड अप। बैक स्ट्रेच। 1 2 स्ट्रेच। 3 मोर स्ट्रेच। 4 5 हिप्स आउट। 6 बैक इन। 7 8 स्ट्रेच मैक्सिमम। 9 10 रिलैक्स। ताड़ासन। 1 2 स्ट्रेच। 3 4 स्ट्रेच। 5 रिलैक्स। अगेन 1 स्ट्रेच। 2 ऑन योर टोज। 4 स्ट्रेच मोर। 1 रिलैक्स। 2 3 4 5 जब आप ये अलग अलग टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब इसके आखिरी पार्ट तक आप पहुंच चुके हैं, और वो है अब 4 से 5 मिनट का छोटा सा मेडिटेशन। आपको पता है सुबह उठकर जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें 80-90% नेगेटिव न्यूज़ आप अपने अंदर डालते हैं, और हमारा माइंड एक ही रूल पर काम करता है, जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट होगा। मतलब कि अगर आप नेगेटिविटी को अंदर डालेंगे तो नेगेटिव विचार ज़्यादा आने वाले हैं। और आज ज़्यादातर लोगों की दिक्कत बन चुकी है कि सर मुझे नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, मैं क्या करूं। उसका छोटा सा उपाय ये 5 मिनट का मेडिटेशन, उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं। अगर हर सुबह उठकर आपने इतना भी करना शुरू कर लिया तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम करना शुरू कर लेगा। तो एक शांत जगह चुन लीजिए, आराम से बैठ जाइए और मेडिटेशन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। इसमें जो भी आप सुनेंगे मन में उसे रिपीट करते जाइए और विजुलाइज करते जाइए। योग निंद्रा या फिर सजाग निंद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है
मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है, मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी, मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी हकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूं। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने आप की कदर करता हूं और आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूं और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज के सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ, वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना वो तो मेरे हाथ में नहीं, यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपने टोटल अब 15 मिनट की टेक्निक को पूरा कर दिया है, तो कैसा लग रहा है अब आपको? पॉजिटिव, राइट? दोस्तों, ये हर सुबह उठकर 15 मिनट शुरू कर दीजिए और ये टोटल 15 मिनट की प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको आगे ही कहा, आपकी इनर हेल्थ बनाए रखेगी, आपको लंबा जीने के लिए सपोर्ट करेगी, आपको पॉजिटिव बनाते जाएगी। इसकी प्रैक्टिस के द्वारा इवन नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, इवन किसी को डिप्रेशन या नेगेटिव थिंकिंग है तो वो तोड़ने में भी बहुत हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, इसे रेगुलर फॉलो कीजिएगा, मगर साथ ही साथ अगर आपको फायदा मिल रहा है तो इस फायदे को अपने तक सीमित ना रखिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा कि जिससे हम इंडिया को और ज्यादा फिट बना सकते हैं, क्योंकि हेल्थ है तो सब है।